हेलो प्रीटी गर्ल्स। तो आज का जो वीडियो है वो इस मेकअप लुक पर है, जो कि दुर्गा पूजा का मेकअप ट्यूटोरियल है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो घर पर आराम से। और अभी आप देख लीजिए आई मेकअप एंड फेस मेकअप को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और चलिए अब मेकअप शुरू करते हैं। तो अब मैं ये मीनाओ का कॉन्टोर क्रीम पैलेट में से ये कंसीलर शेड ले रही हूँ और इसको मैं एज अ बेस यूज करूंगी। तो मैं इसको अपने आंखों के ऊपर, अपने आईब्रोज के ऊपर और अपने आंखों के नीचे लगा रही हूँ। और अब बस सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट बेस मिल जाए मुझे मेरे आई मेकअप के लिए। और ब्लेंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिए हमेशा। और अब मैं ये ओलिविया का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और सब कुछ सेट कर रही हूँ इसकी मदद से। अब मैं मॉर्फी का 35O पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये दो ब्राउन शेड्स ले रही हूँ, एक लाइट ब्राउन एक डार्क ब्राउन। और अब मैं वो लाइट ब्राउन शेड लेकर उसको मैं अपने क्रीज पर लगा रही हूँ और ब्लेंड करते जा रही हूँ लगाते हुए अच्छे से। आउटर वी में नहीं लेना है, सिर्फ क्रीज में लगाना है। और अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको भी लगा रही हूँ अपने क्रीज में और ब्लेंड करते जा रही हूँ। बस ब्लेंड अच्छे से करना है। और अब मैं ये मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये गोल्डन वाला क्रीमी सा शेड है वो ले रही हूँ और वो लगा रही हूँ मैं अपने लिड पर। क्रीज छोड़ रही हूँ, लिड पर लगा रही हूँ, बस मेनली लिड पर फोकस कर रही हूँ मैं। क्रीमी शेड के ऊपर जब हम लोग मैट शेड या शिमरी शेड लगाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक रहता है आई मेकअप, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। और अब मैं ये रेड शेड ले रही हूँ उसी पैलेट से और इसको मैं मेरे इनर 1/3 एरिया पर लगाऊंगी, आँखों के इनर 1/3 एरिया पर, और बस अच्छे से लगाऊंगी। और अब बस मैं वही जो रेड कलर है वो मैं आउटर 1/3 एरिया पर लगाऊंगी आँखों के, आप देख सकते हो। अब मैं मिस क्लेयर का बेग्ड आई शेडो ले रही हूँ और उसको मैं जो बचा हुआ हिस्सा था बीच में का वहाँ पर लगा रही हूँ अच्छे से। अच्छे से प्लेस करना है आई शेडो को, बिकॉज प्लेसिंग द आई शेडो इज रियली इम्पोर्टेंट। और अब बस मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना दिखे। अब मैं वही रेड शेड मेरे लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और अब मैं मेरे इनर कॉर्नर पर गोल्डन कलर का बेग्ड आई शेडो लगा रही हूँ। अब मैं ये शेड ले रही हूँ और इससे मेरे ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये इट्यूड हाउस का आईब्रो डिफाइनर ले रही हूँ और उससे मेरे आईब्रोज को फिल कर रही हूँ जहाँ पर भी स्पार्स एरिया से, मेनली एट द स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रोज एंड एट द एंडिंग जहाँ पर कर्व होता है वहाँ पर मेनली मैं फिल कर रही हूँ। और अब बस फुली से शेप कर रही हूँ आईब्रोज को अच्छे से, क्योंकि आईब्रोज अगर शेप में होते तो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए। अब यहाँ पर मैं ये लैक्मे 9 to 5 का इम्पैक्ट आईलाइनर ले रही हूँ और इससे मैं लाइनर बनाऊंगी और मैं एक सिंपल सा विंग क्रिएट करूंगी, ज़्यादा इंटेंस विंग नहीं क्रिएट करूंगी, सिंपल सा एक छोटा सा विंग क्रिएट करूंगी। और अब यहाँ पर मैं स्टे क्विकी का आई लव यू टू काजल ले रही हूँ और इसको मैं मेरे लोअर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ और थोड़ा थिक डार्क लगाऊंगी काजल को मैं, बिकॉज अच्छा लगता है वैसे। और यहाँ पर मैं मेरे लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। अब मैं ये एडीएस का मस्कारा ले रही हूँ और इसको अपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस पर अच्छे से लगाऊंगी, एक ही कोट लगाऊंगी बिकॉज मैं बाद में फॉल्सीज या फेक आई लैशेस भी लगाऊंगी तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं फेक आई लैशेस लगा रही हूँ और ये विजन मार्केट प्लेस के आई लैशेस है, बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं ये टू फेस्ड का हैंगओवर प्राइमर ले रही हूँ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड और इसको मैं मेरे फेस पर लगा रही हूँ डॉटिंग मोशन में। और अब इसको मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी। और प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी जो मेकअप हो, जो फाउंडेशन या जो भी आगे का मेकअप हो, वो मेल्ट ना हो जल्दी से, इसीलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ज़रूर लगाइए पूजा के लिए। यहाँ पर मैं मैक का स्टूडियो वाटरवेट फाउंडेशन लगा रही हूँ फेस पर, बिकॉज इसमें SPF भी है तो ये ज़्यादा बेटर है। बट आपके पास जो फाउंडेशन है, आपको जो अच्छा लगता है, आप वो लगा सकते हो। और नेक पर भी लगाना ना भूलें, नहीं तो फेस का कलर और नेक का कलर अलग लगने लगता है तो बहुत गंदा लगता है इसीलिए। और यहाँ पर मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ, पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फेस पर भी और नेक पर भी ब्लेंड करूँगी अच्छे से। ये फाउंडेशन एक इंस्टेंट ग्लो दे जाता है फेस को, इसलिए ये परफेक्ट होगा पूजा के लिए, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मीनाओ के कॉन्टोर पैलेट से जो कंसीलर शेड था वो लेकर
अपने पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और अपने एक्ने पर लगा रही हूँ, और बस अब सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, जो भी कंसीलर जहाँ पर भी लगाया था अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो कंसीलर, अगर आपको पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स या एक्ने वगैरह नहीं है तो। और यहाँ पर मैं बेकिंग कर रही हूँ तो मैं मिस क्लेयर का ब्लूमिंग फेस पाउडर यूज कर रही हूँ, अपने अंडर आईज पर लगा रही हूँ जहाँ पर कंसीलर लगाया था, और कॉन्टोर के नीचे लगा रही हूँ शार्प कॉन्टोरिंग के लिए। और हाँ, मैं अपना एक्ने पर जो कंसीलर लगाया था वो ब्लेंड करना भूल गई, वो मैं आगे जाके ब्लेंड करूंगी वीडियो में। और यहाँ पर मैं वही मीना कॉन्टोर पैलेट से ये शेड ले रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए, तो मैं इसको वही रेगुलर एरियाज पर लगा रही हूँ जो कि बिलो द चीक बोन्स, बोथ साइड्स ऑफ द नोज, चिन, जॉ लाइन और फोरहेड पर लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं वो कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ जो मैं बिल्कुल भी भूल गई थी, और फिर यहाँ पर मैं अपना जो कॉन्टोर एरिया से जो भी है वो सब ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और जो क्रीम कॉन्टोर होता है स्पेशली, वो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार्श लाइन्स दिखने लगते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है। क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप ध्यान से अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और यहाँ पर मैंने डार्क कॉन्टोर शेड इसीलिए लिया है बिकॉज बाद में मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट करूंगी तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, और इस तरीके से मुझे पाउडर कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट ट्रिक यू कैन यूज फॉर कॉन्टोरिंग, क्रीम कॉन्टोरिंग स्पेशली। यहाँ पर जो भी बेकिंग किया था उसका जो पाउडर था वो पूरा मैं डस्ट आउट कर रही हूँ अंडर आई एरिया का, और जो कॉन्टोरिंग के नीचे किया था वो पूरा डस्ट आउट कर रही हूँ अच्छे से। अब मैं ओलिविया का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और उसको मैं मेनली कॉन्टोर एरियाज पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो भी डार्कनेस है वो थोड़ा लाइट और सटल लगे और अच्छा दिखे, और पूरा फाउंडेशन या जो भी कॉन्टोर है वो सेट रहे इसलिए लगा रही हूँ, और नेक पर भी लगा रही हूँ ताकि नेक पर भी जो फाउंडेशन लगाया था वो सेट रहे। और यहाँ पर मैं मीनाओ का चीक मेकर ब्लश ले रही हूँ और इसमें से ये शेड ले रही हूँ जो कि कोरलिश काइंड ऑफ शेड है, और ये परफेक्ट जाएगा रेड पर, इसीलिए मैं ये शेड ले रही हूँ और इसको मैं मेरे चीक्स पर लगा रही हूँ अच्छे से। अब मैं अनस्तासिया बेवरली हिल्स का हाइलाइटर ले रही हूँ और उसको मैं मेरे फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी, जैसे कि मिडल ऑफ द नोज, अबाउट द चीक बोन्स, हेड, चिन एंड क्यूपिड्स बो, और अच्छे से हाईलाइट कीजिए बिकॉज थोड़ा ग्लोई फेस लगेगा जो कि पूजा के लिए बहुत अच्छा दिखेगा इसीलिए। अब मैं ये बेला वोस्टे का अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि एक मरूनी शेड है जो कि परफेक्ट जाएगा दुर्गा पूजा के लिए और मेरे आउटफिट के साथ भी, तो उसको मैं लगा रही हूँ अपने लिप्स पर। और ये एक मैट लिक्विड लिपस्टिक है तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये पूरा दिन तक रहेगा आपके लिप्स पर, बिल्कुल निकलेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने ये लिपस्टिक चुना लगाने के लिए। अब मैं किस ब्यूटी मेकअप फिक्सर से पूरा मेरे मेकअप को सेट कर लूंगी, और मैंने यहाँ पर एक बिंदी लगा ली है और रेड और गोल्डन कलर का आउटफिट पहना है और ज्वेलरी भी पहन ली है, एंड दिस इज द फिनिश्ड मेकअप लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कीजिए लाइक बटन नीचे, और कमेंट कीजिए कि आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा, और शेयर कीजिए ये वीडियो जिसको भी दुर्गा पूजा के लिए तैयार होना है उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा ये वीडियो, और मुझे मेरे सारे सोशल मीडियाज पर फॉलो कीजिए, और सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल्स, बाय बाय।